प्रोडक्ट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो सिक्स तक हमने कर लिए थे, सो कंटिन्यू करते हैं सेवन तक। सेवन सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस टू टी इक्वल्स टू y, फिर y दे रखा है y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट में कॉस टू टी, ठीक है। तो पहले मैं dx बाई dt निकालूंगा, तो इसमें तो हमारा क्वेश्चन रूल लग जाएगा, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। तो साइन क्यूब टी को मैं एज इट ऐसे भी लिख सकता हूं एक तरीके से, ठीक है। पावर फ्रंट में आई, वन माइनस हो गया पावर में से, फिर चेन रूल लगाएंगे, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो ये मैंने कर दिया, ये आ गया डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर है रूट में, सो वन अपॉन टू रूट कॉस टू टी, चेन रूल पे जाएंगे साइन टू टी, फिर नेक्स्ट चेन रूल फिर रख रहा है, अगर टी होता तो वन हो जाता, बट टू टी है तो टू टी का डेरिवेटिव टू, और न्यूमरेटर एज इट इज, तो डेरिवेटिव ये करा मैंने डिनोमिनेटर को, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी कॉस टू, फिर कॉस टी और कॉस टू टी। देखो मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने यहाँ पर ले लिया एलसीएम, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में था, तो कॉस टू टी का मैंने ले लिया रूट में एलसीएम। तो देखो अब अगर एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, अगर मैं वन लगाऊंगा ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट कॉस टू टी मल्टीप्लाई बाय रूट कॉस टू टी क्या हो जाएगा, कॉस टू टी हो जाएगा, रूट हट जाएगा। और आप ये देखो डिनोमिनेटर में मैंने कॉस टू टी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचो रूट कॉस टू टी का स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन रूल अगर आपको ध्यान होगा तो रूट कॉस टू टी का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब ये वाला रूट कैसे आया ये देखते हैं। देखो यार इसके नीचे अगर मैंने वन लगाया तो मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाने के लिए रेसिप्रोकल कर दूंगा वन अपॉन कॉस टू टी, और जो ये कॉस टू टी है ये डिनोमिनेटर में चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये रूट की पावर क्या है मेरी, वन बाय टू, और इसकी पावर क्या है, वन। तो बेसिस सेम है, और अगर पावर ऐड कर दे तो हमारा बन जाता है टू बाय थ्री। यहां से मैं देख रहा हूं साइन स्क्वायर टी है यहां पर साइन क्यूब टी है, तो छोटी पावर जो है सबसे स्मॉलेस्ट पावर हम कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर टी मेरा आ गया कॉमन, बचा क्या है थ्री कॉस टी कॉस टू टी साइन टू टी और साइन टी, ये मेरा बच गया। अच्छा थ्री कॉस टी और कॉस टू टी अगर आप देखेंगे ये थीटा काफी सेम चल रहा है टू टी टी है ना, तो थ्री कॉस टी कॉस टू टी को मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, टू कॉस टी कॉस टू टी और कॉस टी, मतलब मान लो मैंने थ्री एक्स को एक तरीके से एग्जाम्पल ले लिया, थ्री एक्स को डिवाइड कर दिया एक्स प्लस टू एक्स में, ठीक है, ऐसे मान लो मैंने डिवाइड कर दिया। और अब आप देखेंगे जब मैंने डिवाइड करा तो ये तो आइडेंटिटी बन रही है किसकी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसकी इक्वल होती है कॉस ए माइनस कॉस बी की, तो ये आ गया कॉस टू टी माइनस टी, यहाँ पर तो सेम टू कॉस टी कॉस टू टी, ये आ गया टू टी में से वन टी माइनस करेंगे तो यूल गेट टी, और अब देखो ये कॉस टी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर एज इट इज चलता रहेगा, इसलिए मैंने इसे लाइन लगा दिया, आपको पेपर में पूरा लिखना है कॉस टू टी थ्री बाय टू सेम ही आ जाएगा, ठीक है। बहुत कम है ऐसे क्वेश्चन के चांसेस आने, मतलब पेपर में आने के लिए, क्योंकि लेंथी बहुत है और इतनी सिंप्लीफिकेशन आसान नहीं है, ठीक है, बट करना जरूर है भाई। तो मेरा डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, अगर मैं कॉमन लूंगा ये मेरा डी एक्स बाई डी टी आ गया अल्टीमेटली पूरा सॉल्व करके। अब डी वाई बाई डी टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने करना है, ऐसे ही सॉल्व होगा, आइडेंटिटी लगेगी, बस ध्यान से करना है चेन रूल वगैरह का। सो डी वाई डी टी हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी रूट में वन माइनस टू कॉस टू टी अपॉन में कॉस टू टी का थ्री बाय टू। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर मैं लिखूंगा तो अब ये देखो ये तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, है ना, तो मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर टी साइन टी वन माइनस टू कॉस टू टी और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी टू कॉस टू टी प्लस वन। अब देखो ये से ये कैंसिल, कॉस टी है ये कैंसिल, ये हो जाएगा टैन टी और सॉरी कॉट टी, है ना, कॉट टी हो जाएगा ये
दूसरा ये एज इट इज 1 माइनस 2 कॉस 2t अपॉन में 2 कॉस 2t प्लस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा डी बाय डी एक्स का। ठीक है, काफी लेंदी है यार ये, ध्यान से करना, क्वेश्चन मैच नहीं हो पाता ज्यादातर ना लोगों से। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू ए रूट ब्रैकेट में साइन टी प्लस लॉग टैन टी बाय टू, और मुझे दे रखा है क्या वाई इज इक्वल्स टू ए साइन टी। पहले एक्स के लिए काम करेंगे तो क्या है डी एक्स बाय डी टी, ए साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी प्लस लॉग का जो होता है पहले रेसिप्रोकल करेंगे टैन टी बाय टू। अच्छा चेन रूल, टैन टी बाई टू का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर टी बाई टू, और फिर फर्दर चेन रूल टी बाई टू का डेरिवेटिव वन बाय टू। ठीक है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं इसकी, ए कॉस टी प्लस वन बाय टैन टी, ये टैन टी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं साइन टी बाई टू cos t by 2, secant square को अगर मैं लिख दूं multiply में, ये हमारा बड़ा वाला है, हाँ secant square को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यही चेंज कर रहा हूँ, आप next step में दिखाना, अगर दिखाना है तो 1 upon cos square t by 2 है ना, तो इसके साथ multiply में मैं cos square t by 2, और ये 1 by 2 तो यही आ जाएगा इसके साथ 1 by 2। ठीक है, ये न्यूमरेटर है 1 1, तो देखते हैं इसमें से एक ये कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या a cos t plus 1 upon 2 इधर, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, अगर इसकी बात करें तो ये डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो 2 साइन टी कॉस टी। अच्छा आइडेंटिटी पढ़ रखी है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, तो और एक गड़बड़ और हो गई, यहाँ टी बाई टू भी आएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, कि ये क्या होगा 2 sin t। ठीक है, 2 sin t मैं इसको लिख सकता हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में दिखाना है, मैंने ऐसे रब कर दिया है, आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाना है वो चीज कि 2 sin t 2 sin t by 2 cos t by 2 सॉरी sin t होगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहती है sin 2x is equals to 2 sin x cos x, तो इसी को हमने t by 2 करा, जैसे मान लो इसको मैंने t कर दिया तो यहाँ क्या आएगा t by 2 t by 2, तो ये लगाया हमने। ओहो, a cos t plus 1 upon sin t। ठीक है, अब निकाल हमें निकालना है y is equals to में है a sin t ये वाला पार्ट, तो dy by dt is equals to a cost। फर्दर हमें क्या निकालना है dy by dx, तो हम डिवाइड कर देते हैं dy by dx a cos t, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a cos t plus 1 upon sin t, a से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका क्या आ रहा है, का 8th क्वेश्चन
आंसर तो गड़बड़ हो रही है इसमें, ए साइन टी लॉग टेन टी वन अपॉन, यहाँ मैंने चेंज नहीं करा यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो सही है, मैंने गलती से साइन कॉस उतार लिया, तो यहाँ पर कॉस टी डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन टी एंड अगेन माइनस साइन टी, फर्दर इधर भी आपका क्या जाएगा माइनस साइन टी, इसका हम एलसीएम लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा कॉस टी, ये हो रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर टी, एलसीएम लेंगे और मैंने सीधा ही वो कर दिया वन माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, अच्छा वन माइनस साइन स्क्वायर टी भाई किसके इक्वल होगा कॉस टी के, है ना, तो वन माइनस देखो ना ये मल्टीप्लाई होगा माइनस में आएगा, तो मैंने पहले इधर शिफ्ट करके लिख दिया है, सो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ कॉस टी, और ये पूरी चीज डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो साइन टी और वन माइनस साइन स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर टी, सो यू विल गेट टैन टी, ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ रहा है टैन टी। अच्छा नाइन्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इजी है, ए सीकेंट थीटा है, बी वाई वो है, टेंथ भी भाई इजी है, नॉर्मल आपने करके बस प्रोडक्ट वगैरह लगेगा, टेंथ भी हो जाएगा आपसे, मैं इलेवेंथ करवाता हूँ, x is equals to a to the power और y is given a ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना दो मेथड है, पहले मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा बट वो काफी डिफरेंट है इस तरह से, जैसे हम नॉर्मली निकालते थे dx by dt, dy by dt, फिर we used to divide those two terms, तो फिर देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एंड 2, तो मैं लिख दूंगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड रूट बी टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, अब एक्स वाई एज इट इज ही लिखा मैंने, बेसिस सेम है, सॉरी ए ही है यहाँ पर भी, बेसिस सेम है, सो पावर्स पावर्स गेट एडेड, सो ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, अच्छा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है हमारा क्वेश्चन सही होता है कॉपी करें, हाँ साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होगा पाई बाय टू, ए बाय ए टू द पावर पाई बाय टू तो कॉन्स्टेंट, आप डेरिवेटिव करते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल वाई प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करते हैं डी वाई बाय डी एक्स को, एक्स वाई उधर जाएगा माइनस में एंड एक्स डिनोमिनेटर में, सो आंसर इज माइनस वाई बाय एक्स, एक तो ये था क्योंकि ये सबसे डिफरेंट था और इजी मेथड यही था, दूसरा मेथड भी बता देता हूं मैं, जैसे मान लो लिखा मैंने x इज इक्वल्स टू क्या a साइन इनवर्स t, ये हमारा बेसिक है जो हम करते आ रहे हैं dx by dt वाला, ठीक है, और मान लो मैंने इसकी जगह कुछ और वेरिएबल रख लिया, ठीक है a साइन इनवर्स क्या रखे हैं? कुछ भी रख लिया, तो u रख लिया मान लो a साइन इनवर्स t को मैंने लिख लिया सॉरी U, तो x is equals to root U का डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे,
है ना, ये ऐसे होगा कि 1/2√u, देन चेन रूल लगेगा, u का डेरिवेटिव होगा शॉर्टकट सीधा ऐसे स्लैश, और u का डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे भाई, u क्या है तुम्हारा, a साइन इनवर्स t, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है हमारा यू, तो इसका भी मुझे क्या करना है डेरिवेटिव। अभी पिछली एक्सरसाइज से आ रहे हैं 5.5 से, क्या बताया था जब पावर वेरिएबल पावर हमारी उसमें हो एक्स में हो या वेरिएबल में एक्स पावर में चल रहा हो तो हम किस में जाते थे, लॉग में जाते थे, तो क्या है हमारा यू, ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, सो लॉग यू लेंगे क्या जाएगा, ये साइन इनवर्स टी लॉग ए, फिर फर्दर डी यू बाई डी टी और 1/u, लॉग यू का 1/u डी यू बाई डी टी, साइन इनवर्स टी लॉग ए में प्रोडक्ट रूल मत लगा देना भाई, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, लॉग ए कॉन्स्टेंट है, तो लॉग ए साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/√ में 1 - x2, और ये u उधर जाएगा, फिर फर्दर u की वैल्यू लगाओगे a साइन इनवर्स टी, फिर यहाँ लिख दोगे वो, तो ये देख रहे हो कितना लेंदी है, फिर उसके साथ भी करना पड़ेगा cos इनवर्स का, तो ये थोड़ा सा अलग है, यूनिक वे है, बट शॉर्टकट है, आप कर सकते हो और इससे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।